स्वागत है आपका कैसे सर। आज आम आदमी पार्टी का कार्यालय यहाँ पर उद्घाटन किया गया सर आपके द्वारा, तो क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? जनता की समस्याएं वाली हम जितनी भी समस्याएं हम कम से कम लोगों की मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंच सके, ये मकसद है। तभी हमारा वार्ड 99 में ये तीसरा ऑफिस है, पहला ऑफिस है करमपुरे में, दूसरा मैं खुद बैठता हूँ विजय बाग में, तीसरा ऑफिस खुल गया। लेकिन एक वार्ड में तीन ऑफिस खुलने का मतलब है कि जनता कितनी अब जागरूक हो चुकी है और लोगों को कितना विश्वास आ चुका है आम आदमी के प्रति, कि पूरी निगाहें आम आदमी पे लोगों की दौड़ रही है कि ये आदमी देश में परिवर्तन ला सकता है। और आपके सामने है, आप भी इससे अनभिज्ञ नहीं है, आप जानते होंगे सब कुछ। सर जिस तरह से कल बजट पास हुआ है, बजट को लेकर सर जिस तरह से काम किए जाएंगे, किस तरह के काम देखेंगे सरकार? अभी तो हमने ग्रीन बजट का नाम दिया है इसको, कि दिल्ली में जितना पॉल्यूशन, आप पिछले 3 साल के डाटा उठा के देख ले पॉल्यूशन के मामले में, हम 14-15 में आए थे, 15 में आप 13-12-11 के पॉल्यूशन का आंकड़ा देख ले, हमारे 3 साल के अंदर उनसे पॉल्यूशन कम रहा है, ये डाटा मेरे पास है। हमारा पॉल्यूशन 3 साल के अंदर हमने उससे भी कम किया है और हमने और भी कम करना है। इस विषय में पूरी कार्रवाई आपने बजट में देखा भी, पूरा ध्यान हमारा दिल्ली की हेल्थ के साथ दिल्ली के पॉल्यूशन के ऊपर भी है। यदि इनकी एयर पॉल्यूशन हमने कंट्रोल कर लिया, ये हमारी बड़ी अचीवमेंट। मच्छर खत्म हो गया मच्छर? सर जनता चाह रही है, जो आम आदमी पार्टी के कार्यालय बनते जा रहे हैं दिल्ली में जगह और एक्शन बढ़ते जा रहे हैं, तो नेक्स्ट जो कार्यालय रहेगा कहाँ पर आपकी ओपनिंग करेंगे जगह? मैं अगला कार्यालय मैं थोड़ी सा कोशिश कर रहा हूँ, एक सुदर्शन पार्क में और एक रमेश नगर में एक अच्छा कार्यालय वहाँ बने, इस दिशा में भी काम चल रहा है, तो बहुत जल्दी इसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा।